बात नहीं समझ आती कि ये जो 10वीं के बोर्ड होते हैं उसके पेपर जो होते हैं वो आपको पहले तो बाहर जाके क्यों देने हैं, और चलो बाहर जाके आपने दिए तो दिए, आपके जो पेपर है वो चेक भी बाहर वाला करेगा क्यों भाई? आपको अपने स्कूल का एनवायरनमेंट पसंद नहीं कि अपने स्कूल की टीचरों पर विश्वास नहीं? हद कर रखी है, बोर्ड का हवा बना रखा है। लेकिन विद्या को देख लीजिए, कोई हवा शवा नहीं है, 10वीं की परीक्षा देने जा रही है लेकिन अपनी फर्स्ट डेट के लिए भी टाइम निकाल लिया है। विवेक जी को अब इसे कहते हैं डी स्ट्रेस होना। विद्या और विवेक की ये है पहली डेट। सुंदर लाल साड़ी पहनकर विद्या आई है तो विवेक भी कोट पहनकर दूल्हे सा लग रहा है। और इस पहली डेट पर विद्या विवेक दोनों ने एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। पहली बार विद्या विवेक ने रोमांटिक डांस किया है और पहली बार दोनों ने अपने दिल की सच्ची बात एक दूसरे को बताई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार शैंपेन देखी, मैंने पहली बार कैनोपी देखी, मैंने पहली बार मिर्ची लाइट्स देखी, मैंने पहली बार डांस किया। पहली बार डांस किया विद्या ने इस शो में। हाँ और क्या, इसीलिए तो बोला ना पहली बार। एक्चुअली विद्या ने पहली बार डांस किया है। विद्या विवेक की इस डेट के लिए माहौल भी क्या खूब बनाया है। हरे भरे पेड़ों को लाइटों से सजाया है, गार्डन रेस्टोरेंट के बीच एक सफेद चमकता हुआ टेंट भी बना है और उसके बीच के रखे टेबल पर फूलों के साथ फूलों वाला केक भी रखा है। यही केक तो एक दूसरे को खिलाकर इन्होंने अपने मीठे से रिश्ते की शुरुआत की है। ये बात अलग है कि यहाँ कोई और भी डेट की रिहर्सल कर रहा था और विवेक को बदले हुए साथी के साथ डांस करते हुए देखकर विद्या की हंसी नहीं रुक रही थी। मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बाइट में, इनसे मिलिए। मुझसे ज्यादा रेडी तो ये है हरीश सावंत। और देखो पूरे इन्होंने अपने बाल काले कर आए हैं और दाढ़ी भी काली की है, वैसे वो सफेद नहीं है बट फिर भी उन्होंने की है। और ये हमारी क्रिएटिव जो रात भर हमारे एपिसोड अच्छे अच्छे बनाती है। विद्या विवेक ने शादी के लिए तैयारी तो दिखा दी है मगर विवेक की माँ जिसने विद्या को विवेक से दूर रहने की धमकी दी है, आखिर वो इन्हें कैसे मिलने देंगी, ये जरूर चिंता की बात है। मुंबई से निशु मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।